एक कदम स्वच्छता की ओर। आइए जानें घरों में स्वच्छतापूर्ण शौचालय बनाने का तरीका और तकनीक। शौचालय बनाने के स्थान पर दो गड्ढे खोदे जाने चाहिए जो एक दूसरे से करीब एक मीटर की दूरी पर हो और गड्ढे की चौड़ाई करीब 3.5 फीट और गहराई 4 फीट हो। जंक्शन बॉक्स से लेकर लगभग 1 फीट तिरछी गहराई पर पाइप फिटिंग की जानी चाहिए। गड्ढे की गहराई 4 फीट से ज्यादा होने पर अपशिष्ट जमीन के अंदर पाए जाने वाले पानी में मिल सकता है। ध्यान रहे, गड्ढे के तल पर किसी प्रकार की पक्की फ्लोरिंग नहीं की जानी चाहिए ताकि इकट्ठा होने वाला मल सीधा मिट्टी द्वारा अवशोषित हो सके। दोनों गड्ढों की दीवारों में छेद होना आवश्यक है जो गैस और तरल को बाहरी ओर धकेल देंगे। गड्ढे को इस प्रकार सील किया जाए ताकि हवा और रोशनी अंदर न जा सके, इसलिए गड्ढे को 6 मिलीमीटर लोहे की छड़ों और सीमेंट से बने कंक्रीट के ढक्कन से ढांक कर बंद कर दें। गड्ढों में किसी भी प्रकार का पाइप न लगाएं ताकि हवा और रोशनी न जाने पाए, क्योंकि ऐसा होने पर हानिकारक कीटाणुओं से संक्रमण का खतरा होता है। साथ ही हवा और रोशनी के कारण इकट्ठा होने वाला मल पदार्थ भी मिट्टी में ठीक से नहीं मिल पाता है। गड्ढे में जाने वाले पाइप्स के निर्माण के लिए शौचालय से जंक्शन बॉक्स तक और जंक्शन बॉक्स से लेकर गड्ढे तक थोड़ा झुकाव रखें। जंक्शन बॉक्स में लगे पाइप्स इस प्रकार लगे हों कि पाइप का एक सिरा खुला हो और एक बंद हो, मतलब जब एक गड्ढा भर जाए तब दूसरा खुला रहे। इस तरह जब तक दूसरा गड्ढा भर जाए तब तक पहले गड्ढे में जमा मल खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तकनीकी रूप से निर्मित इस दो गड्ढे वाले शौचालय में शौच करने का स्थान दोनों गड्ढों से थोड़ी ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए ताकि मल की निकासी गड्ढों में व्यवस्थित रूप से हो सके। शौचालय की दीवारें 75 मिलीमीटर की ईंटों से बनवाएं। चाहे तो इस प्रकार के शौचालय के आधे हिस्सों का प्रयोग स्नान के लिए भी किया जा सकता है। शौचालय में हवादान यानी वेंटिलेटर लगाना अति आवश्यक है। साथ ही पीछे की ओर झुकने वाले एस्बेस्टोस से बनी शीट भी होनी चाहिए ताकि बारिश के मौसम में असुविधा से बचा जा सके। एक पानी की टंकी और अच्छे दरवाजे का होना भी आवश्यक है।